press the bell icon on the YouTube app and never. राहुल गांधी के हिंदू समर्थक और ममता बनर्जी के हिंदू समर्थक और मुसलमान जो लाख से ऊपर थे, उन्होंने खींच खाच करके मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी इतनी खूबसूरत है और इतनी दमदार है कि अगर हम पाकिस्तान ने तो पढ़ने नहीं दिया अपने बच्चों को, अदरवाइज मेरे जैसी बेटियां पाकिस्तान में कम से कम 1 लाख पैदा हो जाती, कम से कम, सिर्फ छत्रपति शिवाजी। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, जो कि स्पेशल इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का, जो कि बात करेगी कि क्यों ओवैसी छत्रपति शिवाजी महाराज की अचानक से तारीफ करने लगा है, और दूसरी ओर कैसे नाजिया खान जी के ऊपर भीड़ ने हमला किया, वो भी हाई कोर्ट के बाहर। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुझे 9 तारीख को मुझे अरेस्ट किया गया, मैं हो गई, मैंने कहा ठीक है कर लूं, मैंने खुद पेपर लेकर साइन किया है, मैं ऑन एयर कह रही हूं आपको, मैंने कहा लाओ पेपर दो, अरेस्ट करना है ना, लाओ पेपर दो। मैंने साइन किया, मैंने कहा जल्दी चलो कोर्ट में, मुझे डॉक में खड़ा करो, जल्दी चलो। और उसके बाद 2 घंटे में, विदिन 2 आवर्स मुझे बेल मिला। हालांकि मुझे बेल में आपत्ति नहीं थी, लेकिन बाहर जो राहुल गांधी के हिंदू समर्थक और ममता बनर्जी के हिंदू समर्थक और मुसलमान जो लाख से ऊपर थे, उन्होंने खींच खाच करके मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी इतनी खूबसूरत है और इतनी दमदार है कि अगर हम पाकिस्तान ने तो पढ़ने नहीं दिया अपने बच्चों को, अदरवाइज मेरे जैसी बेटियां पाकिस्तान में कम से कम 1 लाख पैदा हो जाती, कम से कम, सिर्फ छत्रपति शिवाजी और सिम्बा की कहानी को पढ़ करके, सिर्फ पढ़ करके। और जब मुझसे पुलिस ने पूछा भी थाना में बैठा करके कि ये आपने बोला, हाँ मैंने बोला है, बट दिस इज नॉट डिफेमेटरी। अगर मोहम्मद खैबर बलात्कारी है तो मैं उसको मोहम्मद खैबर ही बोलूंगी ना भाई, अगर मोहम्मद अवेस बलात्कारी है तो मैं उसको मोहम्मद अवेस ही बोलूंगी ना भाई। अब मैं आपको भारत के एक पूरी लिस्ट दे सकती हूँ जिसमें मस्जिद और मदरसे के लिए हिंदुओं ने डोनेट किया था लैंड को, मैंने कोशिश की थी। सबसे पहला अध्याय तो मानवता है, और ह्यूमैनिटी कहाँ से कैसे आती है, आप नमाज पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूजा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपके पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं है आप यहाँ पर नमाज पढ़ लो। लेकिन मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है कि हम तो नमाज पढ़ेंगे तुम पूजा नहीं करोगे, हम तो अजान देंगे तुम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे। अब एक तरफ असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मोदी के राज में मुसलमान भूखे मर रहे हैं, मुसलमान नंगे हैं, मुसलमानों के पास खाने खाने को नहीं है, मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान बेचारे सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुसलमान बेचारे पानी नहीं पी पा रहे हैं, मुसलमान के सर पे छत नहीं है, मुसलमान के पेट में चावल नहीं है, मुसलमान के बदन पर कपड़ा नहीं है। तो एक तरफ ये कह रहा है, और दूसरी तरफ जब पता चलता है कि भाई साहब, मैं आपको रेवेन्यू बता देती हूँ, 2000 करोड़ का रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को आता है सालाना, 2000 करोड़ का सालाना, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना, क्योंकि हमारा इस्लाम ही 1450 साल पुराना है। अब तुम 1500 साल पुराना मंदिर को कहते हो कि ये बाबर ने बनवाया तो कैसे मानेगा कोई भाई, ना मैं अपनी जुबान पर काबू रखूंगी, ना मैं सच के पर्दे जो खोलती आई हूं मैं उससे रुकूंगी, ना मैं मोहम्मद खैबर बलात्कारी को मोहम्मद खैबर जी बोलूंगी, मैं मोहम्मद खैबर बलात्कारी ही बोलूंगी, मैं नासिर खान बलात्कारी ही बोलूंगी, क्योंकि मैं नासिर खान बलात्कारी जैसे लोगों के शादी में बनारसी साड़ी पहनकर नहीं जाने वाली हूँ। बलात्कारी राम रहीम हो, बलात्कारी आसाराम हो, बलात्कारी नासिर खान हो, बलात्कारी मोहम्मद अवेस हो, मोहम्मद खैबर हो, आफताब हो, बलात्कारी को मैं बलात्कारी ही बोलूंगी, और किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मेरे मुंह में उंगली उंगली डाल करके और मेरी हलक को रोक सकता है, ना ही मैं
गैदरिंग में जाने में पाबंदी करने वाली हूँ और ना ही मैं अपनी जुबान पे काबू रखने वाली हूँ। जिसको जो करना है जो सिचुएशन मॉब लिंचिंग का मेरे साथ हुआ था फेक ब्लास्फेमी के मामले पर, कोर्ट ने तो जो लताड़ लगाई है पुलिस ऑफिसर्स को और लोगों को, और जिस हिसाब से जजमेंट और ऑर्डर आया है, वो मेरी जीत थी, मेरे सच की बहुत बड़ी जीत थी। और मुझे और हिम्मत बढ़ गई है अब सच बोलने की और हिजाब खोलने की और भी ज्यादा। और कुछ लोग हैं जो बिहार जमुई से बैठ करके, और कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम गांव से, मैं अभी नाम रिवील नहीं करूंगी, उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, पर सही जगह पर सारे इंफॉर्मेशन जा चुके हैं। उनके घर पे कब पुलिस आएगी कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये कर्मा होता है कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद ही आप उसके अंदर गिरेंगे। तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ही अपने वो उन जो साजिश है उनकी उसका वो शिकार होंगे। तो बहरहाल फिर भी मेरी आपसे, मैं हर दफ़ा आपसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें, अपना ख्याल रखा करें। इन लोगों का कोई कुछ नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर हम इस तरह के वाकयात अक्सर देखते हैं कि जो ऐसे ही ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं होता। तो भारत के मुसलमान और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल अपना ख्याल रखा करें आप। नहीं मुजफ्फर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिनेरियो मेरे सामने आया था उसमें मुझे मॉब लिंचिंग और का ही पूरा ये किया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महादेव की कृपा और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस अपॉन हिम, अल्लाह सुभान ताला, सब मेरे साथ थे, सब मेरे साथ थे। और पूरी इज्जत के साथ मैं आज फिर आपके सामने बैठी हूँ। हालांकि क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए मुझे डिफेम करने की भी मर्दों ने बहुत कोशिश की है, कुछ तो बिहार जमुई से बैठ करके डिफेम करने की कोशिश किया है, 10 जगह फोन लगाया है कि नाजिया गॉट अरेस्टेड और ऐसी चीजें। आपके साथ बहुत सारी सपोर्ट है, हमारी दुआएं, भारत के जो लोग हैं उन सबकी दुआएं और सपोर्ट आपके साथ है। तो अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर आपसे राय लेंगे वो भी अवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जिनके मुंह से कभी किसी जो भारत की तरक्की में नरेंद्र मोदी जी या और भी जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने भारत को इस वक्त दुनिया की एक बेहतरीन मुल्क बनाया, एक बेहतरीन इकॉनमी बनाया, उनके लिए कभी एक भी अच्छा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो उनका एक स्टेटमेंट मैं सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या कह रहे हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप ज़रा ये उनका बयान सुनिए और उसके बाद में फिर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी, और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्त की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था, उन्होंने कहा कि ओसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों तुम कितने दुगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के इस वक्त के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताए कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया, और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम्हारे तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। जी आपने सुना किस अच्छे अंदाज में, किस प्यारे अंदाज में ये छत्रपति
शिवाजी महाराज जी का नाम ले रहे हैं और अपने मुबारक जो कभी इन्होंने अपनी जुबान से शायद पहले नाम ना लिया हो, बड़े अकीदत और एहतराम के साथ उनका नाम लिया जा रहा हो, इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जमीन जो है इनको दी थी। और ये कभी अपने बारे में भी बताएं कि इनके किसी बड़े ने आज तक मंदिर के लिए जमीन दी है, आज तक कभी ऐसे हुआ है पाकिस्तान के अंदर? तो ये भी कभी इनसे सवाल कोई पूछने वाला हो भारत के अंदर तो शायद हमें उसका जवाब ये दे पाए या ना दे पाए। तो क्या कहेंगे इनकी स्टेटमेंट पे आप? चोर की दाढ़ी में तिनका, भेद और राज खुल रहा है अवेसी का, हिजाब उतर रहा है अवेसी का, और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जितने अपराध और जितना गुनाह अवेसी ने किया है, जितना छल कपट किया है, वो अब धीरे धीरे खुल रहा है। इसलिए अवेसी छटपटा रहा है। अवेसी सोच रहा है कि मुसलमानों का समर्थन तो उसके पास है, मुस्लिम पुरुषों की मेजॉरिटी तो उसके पास है, क्योंकि उसके हैदराबाद के चार मीनार पे हलाला सेंटर आज भी चलता है। मुसलमान बेटियां रो रही होती हैं, लेकिन मुसलमान पुरुष उसके समर्थन में होता है, लेकिन अब सिर्फ मुसलमान पुरुषों के समर्थन से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस इतना ज्यादा मुस्लिम समर्थन दिखा रही है और दिखा चुकी है पहले भी, कि अवेसी को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि अगर सारे मुसलमान कांग्रेस को वोट कर देते हैं तो उसके पास दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और पूरी वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।